वैसे तो मैं बड़ा सख्त डंडा हूँ, पर ये सख्ती किस काम की? एक्चुअली शुरुआत से शुरू करते हैं। एक अच्छी कहानी के लिए यू नीड थ्री थिंग्स। साल है 2010, तू फोर्थ पास कर चुका होगा। तेरे गांव के आसपास अच्छे स्कूल नहीं होंगे, तुझे हॉस्टल में भेजा जाएगा। तू खुश होगा, सपने देखेगा और 10 की उम्र में घर छोड़कर हॉस्टल चला जाएगा। वहाँ सब तेरे लिए नया होगा। तू अंदाज़ा लगाएगा कि साल भर में मुझे तो सिर्फ 2 महीने घर पर रहने मिलेगा और बाकी पूरा साल हॉस्टल में। तू घबराएगा, तू घर की बहुत याद करेगा, रोएगा, टीसी निकालने के प्लान्स बनाएगा, हर संडे को घर वालों को बुलाएगा और टीसी निकालने की बात बोलकर खूब रोएगा। घर वाले नहीं मानेंगे। तू गाड़ी से कूदकर भाग जाने की कोशिश करेगा, सिक्योरिटी वाले तुझे पकड़ लेंगे और तेरा प्लान फिर फेल हो जाएगा। तू बहुत रोएगा और तेरे रोने पे तुझे आसपास हंसते चेहरे नजर आएंगे। तू खुद को संभालेगा, अपने आंसू छुपा लेगा। स्कूल के बोर्ड पर तुझे एक लाइन दिखेगी, अगर आप हंसोगे तो पूरी दुनिया आपके साथ हंसेगी, अगर आप रोओगे तो आपको अकेले को रोना होगा। तू खुद को संभालेगा, दूसरों में अपने आप को देखेगा, सोचेगा यार इस जगह पे तो सारे लड़कों की स्टोरी एक जैसी है। तू सब में घुल मिल जाएगा, तू दोस्त बनाएगा। तुझे हॉस्टल में बोला जाएगा कि मर्द बहादुर होते रोते नहीं। तो अपनी कमजोरियां दबा लेगा, अपने इमोशंस छुपा लेगा। तू हंसेगा, सबके साथ हंसेगा। घर वाले तुझे फोन करेंगे, तू हंस के बात करेगा। तेरा दोस्तों के साथ नया परिवार बन जाएगा, तू खूब मस्ती करेगा। किसी कांड में पकड़ा जाएगा पर दोस्त तेरे लिए मार खाएंगे पर तेरा नाम नहीं बताएंगे। वहाँ तुझे फिर से ट्रिगर होगा कि मर्द बहादुर होते रोते नहीं। तू भी दोस्तों के लिए मार खा लेगा, किसी का नाम नहीं बताएगा। तू किताबें पढ़ेगा, अपने अंग्रेजी को कंट्रोल करेगा और इस फेज में तेरे साथ भी बुरी चीज़ें होंगी, पर तू सख्ती बनाए रखेगा, अपने इमोशंस दबाए रखेगा। धीरे धीरे वो टाइम भी आएगा जब तेरे हॉस्टल के दिन ख़त्म होंगे। तू इस सोच से डर जाएगा कि अब सारे दोस्त अलग होंगे। तू यहाँ से भागने के लिए रोता था, अब यहाँ से जाने का रोना आएगा। तेरे आँख में आंसू होंगे पर तू मर्द है, तू नहीं रोएगा। अब तू घर पर आएगा, किसी कॉलेज में एडमिशन लेगा। घर की लाइफ में तुझे नए एक्सपीरियंसेस होंगे, तेरे लाइफ का नया रूटीन शुरू होगा। हॉस्टल लाइफ के बाहर तुझे नई दुनिया फेस करनी होगी। तू जाकिर खान को सुनेगा, उससे रिलेट करना शुरू कर देगा, खुद को सख्त लौंडा बना देगा। और इसी बीच तेरी तबीयत खराब होगी। घर वाले तेरा ख्याल रखेंगे, तेरा हाल पूछेंगे, मगर जब घर वालों की तबीयत खराब हो तो तू उन्हें उनका हाल पूछ नहीं पाएगा। मर्द तो बहादुर होते हैं ना, वो तो बस हंसते हैं, उन्हें किसी का दर्द पूछना या दिखाना थोड़ी आता है। तू नए दोस्तों के साथ घुल मिल जाएगा, खूब हंसेगा, सब शेयर करेगा, मगर मर्द बहादुर होते हैं, अपने इमोशंस बता नहीं पाएगा। तू नई चीज़ें फील करेगा पर दिल में दबाए रखेगा। किसी मोड़ पर तू भी पिघलेगा, पर मर्द तो बहादुर होते हैं ना, सख्ती का टैग लगाकर आगे निकल लेगा। प्यार तुझे भी होगा पर जता नहीं पाएगा, मर्द तो बहादुर होते हैं ना, पर बता नहीं पाएगा। क्या सच में मर्द बहादुर होते? क्या सच में वो सारी परेशानियाँ झेल लेते? कहीं पढ़ा था कि लड़की बनकर उनके प्रॉब्लम फेस करोगे तो रो दोगे, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बट लड़का बनकर देखो, रोना तो आएगा पर रो नहीं पाओगे। वैसे मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ पर कभी कभी पिघल जाता हूँ। किसी ने मां देखो उम्र रजा बेटा, वो बताएगा नहीं मम्मी को? अपनी मम्मी को तो सब बताते हैं बाबू, सब बताते हैं बेटा, बता दे अपनी मम्मी को। झूठे हैं वो लोग जो बोलते हैं कि आदमी रो नहीं सकता, पूछने वाला चाहिए रे।